पानीपत के लाल बत्ती चौक पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते प्रमोद पुत्र महावीर प्रसाद व जिंदर पाल पुत्र कृष्ण लाल की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। परिजनों के मुताबिक प्रमोद अवर भवन चौक के समीप एक मंदिर में पुजारी था, जो सुबह संध्रोल पर पूजा करने के लिए जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। इसके अलावा 38 वर्षीय जिंदरपाल रेलवे में कर्मचारी था, जो सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, उसके भी इस भयानक सड़क हादसे में मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया और लोग पानीपत के सरकारी अस्पताल में एकत्रित हो गए। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, जिनका कहना है कि कार बेहद तेज गति से चलाई जा रही थी, यदि कार की गति कम होती तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। सुबह करीब ये अपने घर से 7:30 बजे के करीब ड्यूटी के लिए निकला था जी, और ये भाई जोगिंदर श्रोक कृष्ण लाल गाँव बड़ोली का रहने वाला है और रेलवे में नौकरी करता है जी। और सुबह जब लाल बत्ती पे पहुंचा तो असंत खुण की तरफ से मुड़ने लगा तो पीछे से कार वाले ने बड़ी ज़बरदस्त टक्कर मार दी जी, और जिनकी मौके पर ही दो बंदों की मृत्यु हो गई जी, और उनके पास दो बच्चे हैं जी, छोटे छोटे हैं, परिवार में दुख का मातम है, बहुत ही गहरी संवेदना हो गई है। इकलौते थे अपने माँ बाप? हाँ, ये अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। कितनी उम्र थी सर? इनकी उम्र थी जी 37 साल। तो अभी कोई जो ड्राइवर था भी पकड़ा गया नहीं? हाँ, ड्राइवर गाड़ी पकड़ी गई है जी, और सिटी थाने में के पास उनके पास गाड़ी भी खड़ी हुई है जी, एक्सीडेंट की, बड़ी ज़बरदस्त एक्सीडेंट किया है जी उन्होंने पीछे से कम गाड़ी की स्पीड 120 के आसपास थी जी। क्या नाम है आपका? रामपाल है जी। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल पुलिस द्वारा सारे मामले की जांच की जा रही है। रोड पर लाल बत्ती चौक हादसा हुआ है, डिजायर कार ने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी और दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। पानीपत के रहने वाले बड़ोली गाँव का और मंडी का रहने वाला, और कार वाला ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका।